नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। महेंद्रगढ़ में एक स्कूल बस भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 8 बच्चों के दर्दनाक मौत हो गई। और बताया गया कि गुरुवार यानी ईद की छुट्टी वाले दिन ही निजी स्कूल खुला हुआ था, जिसका बस ड्राइवर नशे में बस बच्चों को लेकर जा रहा था और तभी बस रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे में 8 बच्चों के जान गंवाने की सूचना मिली। और जबकि कई बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा महेंद्रगढ़ जिले के कनीना कस्बे में हुआ। हादसे का शिकार होने वाली एक बस निजी स्कूल की है और साथ ही बता दें कि मामले में कार्रवाई करते हुए निजी स्कूल संचालक और प्रिंसिपल को हिरासत में लिया गया। जैसे यहाँ के लोकल जो ऑफिसर इंचार्ज, उन्होंने बताया कि एक ऐसे ऐसे जो अनिना मोड़ के ऊपर एक कोई स्कूल की बस का जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और उसमें बच्चों की कैजुअलिटीज हुई है। तो तुरंत हमने एक्शन लेते हुए यहाँ का जो बाकी स्टाफ था, सभी स्टाफ नर्सेस, सभी डॉक्टर्स की ड्यूटी, और तुरंत 15 मिनट के अंदर ये सारे डॉक्टर्स वगैरह अपने यहाँ पहुँच गए थे और सारी एम्बुलेंसेस को डाइवर्ट कर दिया गया था साइट के ऊपर। कितने एम्बुलेंस? हमारी 8 से 10 एम्बुलेंसेज को हमने डाइवर्ट कर दिया था, क्योंकि 2-3 यहाँ स्टेशन थी और 4 हमारी वहाँ की एम्बुलेंसेज, बाकी नारोल, मुंडिया खेड़ा से और नीरस जितने भी प्लेसेज थे, 8 एम्बुलेंसेज को हमने टोटली डाइवर्ट कर दिया था यहाँ के लिए। उसी मैं अभी अभी फरीदाबाद से सीनियाबाद का हॉस्पिटल पहुँचा और मैंने अभी मात्र 3 बच्चों को देखा। एक बच्चा तो सेकेंड स्टैंडर्ड का, थर्ड का, 9th का बच्चा, अगर बच्चों को चोट भी आएगी, सबके बच्चे, बच्चों के कपड़े ब्लड से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली मैनेजेबल हैं, किसी की चोट ज़्यादा है, किसी की कम है। एक बिटिया बता रहे हैं जो आईसीयू में है और उसको शायद ब्रेन हेमरेज बता रहे हैं। 20-25 बच्चों के चोट है, अब उनकी क्या पोजीशन है हॉस्पिटल में पहुँचा दिए गए हैं। ज़्यादा चोट भी है कुछ, तो बाकी 20-25 बच्चों के चोट नहीं है। फिर कौन से बच्चे? कौन से स्कूल? BSEL स्कूल है सर। कोई हता हता भी हुई है? हता की अभी नहीं कह रहे हैं कि एक दो बच्चे से हैं, बाकी ज़्यादा तो पता होगा। लगभग कितने बच्चे थे सर स्कूल में? बस में बस भरी हुई थी, जितने भरी है के हिसाब से। क्या ड्राइवर नींद में था या फिर? देखो जी, कोई सामने कुछ आने के बाद सूचना मिली है, सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने। सर ये हम तो स्कूल में थे जब ये एक्सीडेंट हुई, तो हमको पता चला जब हम उठाने आए हैं इसको, ये अनबैलेंस हुई या कैसे क्या हुआ ये तो हम नहीं कह सकते, पर तो हम जब आए, जब ये एक्सीडेंट हुई, जब हम उठाए गए बच्चे की, सर कोई गिनती नहीं है, हमको कोई काउंटिंग नहीं करी कि कितनी बच्चे हैं इसमें। कुछ बच्चों के चोट भी लगी है, कुछ सीरियस भी है, ठीक, हमको हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया। कौन से स्कूल की बच्ची है? GL पब्लिक स्कूल की। आज ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और जिन बच्चों की, 6 बच्चों की जो डेथ होगी और जो बच्चे जो घायल हैं, मैं सभी उन परिवारों को बिल्कुल बहुत ही मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ समय नहीं करूँगा। और मैं अभी उन बच्चों के पास से सरकारी हॉस्पिटल में कल्याण पाया था और अभी मैं मातृ हॉस्पिटल में हमारे 14 बच्चे जिनकी चोट लगी हुई है, मैं उनकी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कस्बे में बता दें कि कनीना और एक भयानक स्कूल बस हादसे में हुई बच्चों की मौत हुई और इस हादसे के बारे में CM सैनी ने डिप्टी कमिश्नर से फ़ोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन के माध्यम से आदेश दिए कि घायलों के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं और साथ ही CM ने उपायुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि दुर्घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही ये रिपोर्ट भी देने के लिए कहा गया है। आखिरकार राज्य के अवकाश के दिन स्कूल द्वारा तय नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया? आज महेंद्रगढ़ कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की
जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है परिवारों को उचित मुआवजा, और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं घायल हैं उनके इलाज के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से उनकी देखभाल के लिए तैयार है। और मैंने ऐसे आदेश भी कहा है कि वहां पर देखें, हमारी मंत्री महोदय भी वहां मौके के ऊपर पहुंची है और वहां जाकर के पूरा प्रशासन भी वहां पर गया है। सुबह जब ये दुर्घटना हुई है उसके तुरंत बाद सारी जानकारियां आई हैं और जानकारी के बाद हमने जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ भी कार्रवाई। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने महेंद्रगढ़ में हुए स्कूल बस हादसे को लेकर प्रतिक्रिया दी और साथ ही उन्होंने जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की और साथ ही जो बच्चे घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। देखिए, बहुत हृदय विदारक घटना, बहुत दुखद घटना गांव कमीना के पास, जिस दुर्घटना में बस एक्सीडेंट के अंदर आधा दर्जन से ज़्यादा बच्चों की मौत होने की खबर है। बहुत हृदय विदारक घटना है, दुखदायी घटना है। और जैसा आपने बताया कि आज ईद की छुट्टी होने के बावजूद स्कूल की बस स्कूल फंक्शन कर रहा था, ये एक अलग। महेंद्रगढ़ जिले में स्कूल बस पलटने से 8 बच्चों की मौत हो गई और इस मामले को शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा ने गंभीरता से लिया। रेवाड़ी में भर्ती घायल बच्चों से मिलने पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा कि बस ड्राइवर के साथ साथ स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इन तीनों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। और वहीं ईद के अवकाश के दिन स्कूल खोलना गंभीर बात है और ये हादसा होना स्कूल प्रशासन की लापरवाही है। मैं अभी अभी फरीदाबाद से सीधा मातृका हॉस्पिटल पहुंची हूं और मैंने अभी मात्र 3 बच्चों को देखा। एक बच्चा तो 2nd स्टैंडर्ड का, 3rd का, 9th का बच्चा है और बच्चों को चोट भी आई हुई है। सबके बच्चों के कपड़े ब्लड से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली मैनेजेबल हैं, किसी की चोट ज़्यादा है, किसी की कम है। एक बिटिया बता रहे हैं जो ICU में है और उसको शायद ब्रेन हेमरेज बता रहे हैं, या मैं कहूँ तो स्कल का चोट होगी। मैं अभी उन्हीं को भी देखने जा रही हूँ, मिलने जा रही हूँ। हादसा बहुत दुखद है, बहुत पेनफुल है। मैं दुकान पे था जी, तो गांव में से फ़ोन आया किसी का, बोले आपके बच्चे GL में पढ़ते हैं, जाके बच्चों को संभाल लो, बस ऐसे ऐसे पलटी मार गई। तो मैं वहाँ से तुरंत निकला जी, जाके देखा वहाँ बहुत बुरा हाल था, बच्चा वहाँ एक भी मिला नहीं। हॉस्टल में गए, वहाँ कम से कम 10-12 बच्चे तो गए, उस टाइम डेड हो चुके थे सर। और इन बच्चों को लेके वहाँ से निकले और यार रेवाड़ी लेके आए। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? एक बच्चा 6th में है सर, 2 9th में है और एक गुड़िया पहली क्लास में पढ़ती है जी। कितने बच्चे आए हैं? 11 बच्चे आए हैं यहाँ पे और काफ़ी बच्चों को तो काफ़ी गहरी चोटें लगी हुई हैं। अभी रिपोर्टें हुई नहीं हैं, जैसे जाँचें हो जाती है उसके बाद क्लियर हो पाएगा कितने बच्चों को कितनी ज़्यादा चोटें हैं। कई बच्चों को तो पैर भी टूटे हुए हैं, हाथ में भी चोटें ज़्यादा लगी हुई है। अभी जाँचें होने के बाद ही क्लियर बता पाएंगे हम आगे का क्या रहेगा। 11 बच्चों में से कम 4-5 बच्चे हैं जिनकी हालात में ज़्यादा खराब लगी है, कोई फोटो होने के बाद के लिए पता नहीं। लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल रेवाड़ी के निजी अस्पताल पहुंचे। बनवारी लाल ने निजी अस्पताल में पहुंचकर घायल छात्रों का हालचाल जाना और साथ ही उन्होंने चिकित्सकों को छात्रों के इलाज में किसी भी तरह की कोताही ना बरतने के निर्देश दिए। और इसके साथ ही मंत्री बनवारी लाल ने इस दुखद हादसे में मरने वाले छात्रों के परिवारजनों उसके प्रति गहरा दुख जताया। ये
बहुत ही दुखद घटना हुई है और दिल दहलाने वाली घटना है, और आज कुछ मासूम बच्चों की जान भी गई है, और आज इस मतृका हॉस्पिटल के अंदर भी 12 बच्चे एडमिट हैं, 5 आईसीयू में हैं और 7 जनरल वार्ड में हैं। तो अभी उनके जनरल वार्ड के जो बच्चे हैं उनसे मैं मिल के आया हूँ, और मैं जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ, और जो बच्चे अभी दाखिल हैं उनकी रिकवरी के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जल्दी से ठीक हों। महेंद्रगढ़ में हुए हादसे को लेकर परिवहन मंत्री असीम गोयल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि स्कूल बस को लेकर जो नियमों की अवहेलना हुई है उसमें कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं, और साथ ही उन्होंने पूरे मामले की जांच करके स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है। महेंद्रगढ़ के का जो स्कूल का बस हादसा हुआ है बहुत ही द्रवित करने वाला और बिल्कुल दुखाने वाली एक बहुत ही दुखदायी घटना है। मैं दिवंगत सभी आत्माओं के प्रति परमात्मा के श्री चरणों में विनती करता हूँ, सभी परिजनों को संबल दे, और निश्चित रूप से मैंने जो हमारे विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनको जांच के आदेश दिए हैं। हम एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाने जा रहे हैं, यहाँ से एक अच्छे सीनियर ऑफिसर की नेतृत्व में पूरी घटना की हमें बारीकी से जाँच करके बताएँ, और हमने लोकल जो DTO हैं उनको भी आदेश दिए हैं, वो अपनी तरफ से स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए जो है FIR रजिस्टर कराएंगे। और हमारा जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाया गया लापरवाही, इसने बस की डॉक्यूमेंट पूरे तो नहीं थे, नहीं चेकिंग की है। फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार मनधीर सिंह ने हमारे सहयोगी मोनू पांचाल ने खास बातचीत की। मनधीर सिंह ने चर्चा में कहा कि जल्द ही कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी होगी और चुनाव में कांग्रेस 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर चुनाव को लेकर चर्चा की गई है, और साथ ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मनधीर सिंह मान से खास बातचीत की गई। फरीदाबाद से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं मनधीर। तस्वीरें फरीदाबाद की हैं जहां पर मनधीर सिंह मान एक कार्यक्रम में पहुंचे। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।